या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 597। अली मदद, 28 अक्टूबर 2000, माय वाइज इन अल्बुकर्की, अमेरिका। अली मदद, बहुत मदद के बाद आपकी जमात में वाश हो रही है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जिसको बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए कि कल सुबह मैं चले जाता हूं, ओक्लाहोमा जाता हूं। इंशाअल्लाह फिर मैं दोबारा जल्दी आऊंगा। मैं जिनान का पाठ बोलता हूं वो समझ के कि मुझे आज क्या बोलना है। जी आंधलो होवे तेला करी ठकोरे अनते पन्ना भूले वारात जी मरमुनी वर होए ने जिनान विचारे ते हुआ ते के मा जाए इमाम पे सलात पढ़ लूंगा। मोहम्मद महाल मोहम्मद। हमारी एक कम नसीबी इस जमाने के अंदर ये रही कि हमने अपने जिनान भुला दिए। टाइम असर करने के लिए हम जब खाने में जिनान बोलते हैं, टाइम पसार करने के समझने के लिए नहीं। और जिनानों के अंदर जो इल्म है वल्लाह बिल्लाह वो इल्म कहीं नहीं है। जिनान भूल जाने की दो तीन वजह हैं। एक तो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो नई न्यू जनरेशन है उनको गुजराती और कच्छी के साथ नो इंटरेस्ट, वो अपना कल्चर भूल रहे हैं। यंगस्टर्स, दे हैव नो इंटरेस्ट इन अवर एल्डर्स एंड अवर कम्युनिटीज कल्चर एंड इट्स अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून। दूसरी चीज कि हम लोग दो चार घंटे टीवी में गुजारते हैं, सिनेमा में जाते हैं और खेल रमत कमत में पसार करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, बहुत शौक के लिए हमारे पास दो तीन घंटे हैं, लेकिन आधा घंटा हमारे पास अपने रिलीजियस स्टडी के लिए नहीं है। ए मोमिनो, आप में से बहुत आदमी मुझे पर्सनली जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी दुनिया घूम रहा हूं, इसलिए जो कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, गप नहीं मारता। हमारी जो जमात है, हमारी जो कौम है, यानी मेरा मतलब जो खोजा कौम इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका से आए हैं, वी आर मोस्ट लीस्ट लिटिल नेक्स्ट टू नथिंग इंटरेस्टेड इन रीडिंग। हम लोग पढ़ते नहीं, हमारे लोगों के अंदर स्टडी का कोई शौक नहीं। हमारी जमात के अंदर जो एजुकेटेड भी हैं उनमें भी बहुत थोड़े ऐसे हैं कि जो सीरियस स्टडी करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी एक वजह यह है कि चूंकि हमने अपने मजहब की स्टडी नहीं की, इसलिए हमने जिनानों को बिल्कुल मामूली चीज समझा है
ऐसा समझा है कि इट इज अनवांटेड। ये दो चार चीजों की वजह से हमारे जो दिनान हैं भुलाए गए हैं, और दिनानों के अंदर हमें सारी जिंदगी गुजारने के लिए डायरेक्शन है। ज्ञान में है तो साहिब है, यानी ज्ञान के अंदर खुदा बैठा है, और ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान यानी संस्कृत लफ्ज का मतलब है नॉलेज एंड विजडम, दैट इज ज्ञान। ज्ञान मीन्स विजडम एंड नॉलेज, और इसके अंदर इस तरह से रखा हुआ है। कल मैंने ह्यूस्टन के अंदर नौ जला खाने में वाज की, ज्ञान की बातें हो रही हैं। कल मैंने जमात को वहां एक बात सुनाई, मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि ज्ञान में क्या है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर भी रिपीट करूंगा ताकि लोगों को मैं खींच सकूं ज्ञानों की तरफ। इस वीक का जो टाइम मैगजीन है कैनेडियन एडिशन, मैं 40 वर्ष से टाइम का सब्सक्राइबर हूं, 40 ईयर्स। कभी कभी इसमें बहुत अच्छी चीजें आती हैं। इस वीक का, दिस वीक जो लास्ट हुआ है, टाइम मैगजीन में रिपोर्ट आया, कवर स्टोरी है कि 9 वर्ष की लड़कियां मां बनने के लिए तैयार हो गई है। 9 ईयर्स ओल्ड गर्ल, शी हैज ऑलरेडी कम इन प्यूबर्टी। मैंने सारा आर्टिकल पढ़ा, एंड इट्स नॉट एन आइसोलेटेड केस। 15% व्हाइट गर्ल्स द एज ऑफ 8 or 9 दे आर पासिंग देयर प्यूबर्टी। सारा आर्टिकल पढ़ के मुझे पीर मां बाप याद आए, मुझे ज्ञान याद आया। फिर सदर दिन को 600 बरस हुए, 600 years ago इस सदर दिन ने हमको ये बात कही है कि ऐसा वक्त आएगा कि 9 बरस की नारी, 9 बरस की लड़की बच्चा देगी, मां बनेगी, और 12 बरस का लड़का फादर बनेगा। आ गया ना वो वक्त, हमारे जिनानों के अंदर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमको जिनानों में वो कहा गया है, और कल क्या होगा, 100 ईयर्स के बाद क्या होगा, 500 ईयर्स के बाद क्या होगा, हमारे जिनानों में वो चीज मेंशन है। वो चीजें हमको मिशनरियों की वाजों में से नहीं मिलेंगी, सिवा के कभी कभी मेरे जैसा कोई साइंटिफिक चीजें ले आता है वाज के अंदर, लेकिन हमको सबको स्टडी करना चाहिए ज्ञानों के अंदर। एरोप्लेन आज उड़ रहे हैं, 400 आदमियों का पैसेंजर का लगेज, उनका खाने पीना, और लगभग 10-12 क्रू, और फिर 50,000 to 60,000 liter एविएशन फ्यूल। इतना बड़ा 400 आदमियों को उठा के, उनका लगेज उठा के जमीन से 8 माइल ऊपर 500-600 माइल्स की स्पीड से उड़ रहा। लेकिन पीरों ने हमको 900 बरस पहले कहा, 900 ईयर्स बिफोर पीशम सेल रिटर्न दिस, के उड़ने वाले ने इस तरह से कहा, पवन रथ घोड़ा, हवा में उड़ने वाले घोड़ा गाड़ियां, उसको घोड़ा गाड़ी का नाम देखो किस तरह से दिया है कि इंजन की जो हॉर्स पावर है वो हॉर्स के नाम से है। कितने घोड़े की पावर है इस इंजन के अंदर, दैट इज कंसिडर्ड एंड कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द हॉर्स पावर। और पीर ने हमको 900 वर्ष पे ही यही घोड़े का नाम दिया, बैल का नाम नहीं दिया। आज कितनी टेक्नोलॉजी हो गई है, ये हमको पीरों ने सैकड़ों बरस पहले कहा है। ये तो ठीक हो गया ना, अब क्या होने वाला है वो भी ज्ञानों में है। मैं वो चीजें डिस्क्लोज करने के लिए आज तैयार नहीं हूं, लेकिन बहुत दफा मैंने पास्ट में इन चीजों के ऊपर मैंने वाजें की है। मेरी एक वाज है 1982 की,
जो मैंने शिकागो में की थी, 2 घंटे की वॉयस है। उस वॉयस में मैंने जिक्र किया है कि इस नेक्स्ट 100 ईयर्स के अंदर क्या होगा, हमको पीरों में गिनानों में किस तरह से बताया है, बहुत सी चीजें कही है। हम लोग फिर शब्द माँ बाप में गिनान पहला पाठ यही है कि एक धंधुकार फरी दूजा होगा। गिनानों की जो लैंग्वेज है ना, वो ऑर्डिनरी गुजराती लैंग्वेज नहीं है। पीस हैव यूज 24 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, 24, और इन तमाम लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स थे उनको एक एक फॉर्म में कलेक्ट करके हम कॉम्बो बनाते हैं ना, इस तरह से कॉम्बो बनाया। ऐसा करने की वजह क्या थी पीरों की? वजह यह थी कि इतने मुश्किल है कि आम लोग इस चीज को समझ न सके और सतपंथ का जो सीक्रेट है वो कायम रह गए, सतपंथ के पीरों के बताए हुए डायरेक्शंस के ऊपर सिर्फ मोमन समझ सके, दुनिया को पता न चले। ये ज्ञान किसी नॉन इस्माइली को दे दो, अब तो इस्माइलियों को भी पता नहीं है, नॉन इस्माइली की क्या बात करो। वो भगत गुजर गए, वो आदमी गुजर गए जो ज्ञानों को समझने वाले थे। आज हमको ज्ञानों की कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और ज्ञानों में इंटरेस्ट न रहने की वजह हमारी खुद की बेदरकारी, इग्नोरेंस। हमें अपने मजहब का कुछ पता नहीं है और ईमान भी वीक होता जाता है। दुनिया में बहुत फंस गए हैं। मटीरियलिज्म हैज टेकन कंट्रोल ऑफ अवर माइंड। हमारे दिमाग में एक ही चीज है, पैसा कमाओ और मौज मजा करो, कुछ नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो आदमी कर रहे हैं और मजहब के ऊपर फरमान और ज्ञान का अमल नहीं करते, वो फ्यूचर में पछताएंगे। देवल रिपेंट, देवल बी सॉरी। अगर इमाम क्या कर रहा है जिंगारो, हमें कुछ पता नहीं। हमको अपने क्या कहूं, हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हमको अपने मजहब की कोई खबर नहीं। जमात खाने का बिहेवियर हम नहीं जानते, जमात खाने का एटिकेट, जमात खाने में आने के एथिक्स क्या है, वो हमें पता नहीं। दुआ हम अच्छी तरह से नहीं पढ़े। कई लोग, अभी मेरी जो बैठक है ना वो मुख्य कमरिया के पास होती, तो सारी जमात मेरे सामने होती है। एवरी जमात में मेरी आदत तो यह है कि मैं आंखें बंद करके और या जिधर मेरा सजदा करना है मैं उधर अपनी नजर रखता हूँ दुआ में। लेकिन दुआ के बाद तो मैं कभी देखता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ कि लोग जमात खाने के अंदर इस तरह से बैठे हैं कि जैसे कोई पिकनिक के ऊपर गार्डन में या पार्क में बैठे हैं। ये जमात खाना, ये मौला का घर है, इमाम यहाँ रहता है नूरानी हालत में, यहाँ इमाम का नूर है और हमें इस चीज का पता भी नहीं, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। कितने अच्छे पाठ में शब्दों में पीरों ने कहा कि आंधलो हो गए, एक ब्लाइंड मैन है, वो आज में एक लकड़ी लेके स्टिक लेके ठोकते 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 अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर से निकलता है, स्टोर में जाता है, अपनी चीजें खरीद के फिर ले आता है। कईयों ने कुत्ते रखे हैं, वो उनको गाइड करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो अंधे लोग हैं वो हाथ में स्टिक लेके ठोकरते ठोकरते अपनी जगह चले जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं कि आंधलो हो गए ते लाकड़ी ठकोरे ते न भूले वाट, वो रास्ता नहीं भूलता, अपने घर पहुंच जाता है। मारो मोमन होए मुनिवर होए अने ज्ञान विचारे ते वाटे किन जाए। मेरा मोमन हो गए और ज्ञान के ऊपर विचार करे, अकल से काम ले रहे, तो फिर वो गलत रास्ते पे एस्ट्रे क्यों हो जा रहे, नहीं हो सकता। अगर अंधा अपने घर पहुंच जाता है तो आंखों वाला और दिमाग वाला अकल वाला अपने घर पहुंचता है। अपने घर से यह मतलब अपना मजहब है, वो अपने मजहब से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर की आंखें खुली होनी चाहिए। हमको सब एक दूसरे को देख रहे हैं ना, बत्तियां बुझा दो तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन कोई अंधा आदमी है तो बत्तियां भी हैं फिर भी उसे नजर नहीं आता। तो हमको दो चीजें चाहिए, हमारी आंखों की रोशनी भी चाहिए, बाहर भी रोशनी चाहिए तो हम देख सकते हैं। अगर बाहर लाइट नहीं है तो आंखें कोई काम नहीं करती,
और अगर आंखें नहीं है तो रोशनी कोई काम नहीं करती. वी रिक्वायर बोथ द साइट इन अवर आईज एंड द लाइट आउटसाइड. दोनों चीजें चाहिए, यानी हमारे दिल के अंदर ईमान की रोशनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, और दूसरी चीज हमको बाहर की लाइट यानी इलम सीखना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, हमें ज्ञान देखना चाहिए और हमें समझ के अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए. नैरोबी में एक दफा मैंने लेक्चर दिया, फिर मैंने आंसर क्वेश्चन वगैरह की बात निकाली. अच्छा, एक यंग बॉय खड़ा हुआ 18-20 बरस का, मुझे बोलते मिशनरी बापा, यू आर टॉकिंग सो मच अबाउट दी ज्ञान, इज देयर एनीथिंग अबाउट मैरिड लाइफ? बोला यस. बोले इट इज यस सीधा. मैंने ज्ञान का पाठ बोला के राजा हमारे घरे छे और दांगनी, के राजा हमारे घरे छे और दांगनी, तेने पूछी ने वात करी सत्य जीतिया पांचे पांडवा. मैंने कहा इसमें हमको मैरिड लाइफ अच्छी रहे, प्रेम मोहब्बत रहे, उसमें ये बताया है जिस वक्त दुर्योधन ने एक डुमड़े को, डुमड़ा यानी लो काम करने वाला बंदी, उसको कहा कि ये हमने लाखा मंदिर बनाया है पांडवों के रहने के लिए, जब ये रात को सोते हो ना तुम आग लगा देना. तो वो कहते राजा मेरे घर पे मेरी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी यानी हाफ हाफ बॉडी, दैट इज वाइफ, मैं उसको पूछ लूं फिर तुम्हें बोलूं. यानी यहां हमको पीर ने इशारा क्या किया कि वाइफ तुम्हारे घर पे है, उसको अपनी कोई गुलामड़ी ना समझो, वो बकरी नहीं है. वाइफ को ऐसा ही समझो जैसे तुम अपने आप को समझते हो. ये ज्ञान को 550 बरस हो गए, मोर देन 5 सेंचुरीज अगो हमको पीरों ने ये बताया कि वाइफ हस्बैंड इक्वल है. अलबत्ता अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के हिसाब से हस्बैंड जो है वो मैनेजर है, फैमिली का मैनेजर है, तो वो खर्च करता है या गाइड करता है, लेकिन खुदा की नजर में दोनों इक्वल है. झगड़े कहां होते हैं? झगड़े वहां होते हैं जब एक दूसरे को अपने से छोटा समझे और हम एक दूसरे को बड़ा समझे अपने आप को. इसके ऊपर मैंने उसको थोड़ा और भी इलेबोरेट करके बताया, तो कहने का मकसद यह है कि हमारे ज्ञानों के अंदर हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई, हाउ टू बिहेव, ऐसी तमाम चीजें हमें अपने ज्ञानों के अंदर से मिलती हैं. इन ज्ञानों के अंदर से हमें कैसे कैसे एथिकल एडवाइस मिले. फिर कहते हैं एक हमारा ज्ञानों के अंदर, मैं आपको बोलू 630 ज्ञान हैं, 6 वॉल्यूम्स हैं इसकी, और 69 दूसरी छोटी बड़ी किताबें हैं जिसको हम शास्त्र कहते हैं, जैसे कि सत्वनी है, सिहर्फी है, ये अनंत अखाड़ा जो हम आशा जी बोलते हैं ना, इसके 500 पार्ट हैं. 69 हमारे ये शास्त्र हैं और 6 हमारे ज्ञानों की किताबें हैं. 75 किताबें छोटी बड़ी, ये हमारा इस्माइली लिटरेचर है. और मुझे खातरी है कि आप में से एक भी ऐसा नहीं कि जो ये सारी किताबों का नाम जानता हो, सुना भी नहीं है. एक किताब है भी सदरजीन की लिखी हुई, उसका नाम है सूरत समाचार. क्या वो पेपर था, न्यूज़पेपर था? नहीं, यहां सूरत का मतलब सूरत गांव नहीं जो इंडिया के अंदर है, यहां सूरत का मतलब है खुदा की सूरत, हिज पोर्ट्रेट. छोटी सी किताब है लेकिन इलम से भरी हुई. इस किताब में क्या है कि खुदा ताला ने ये क्रिएशन बनाई तो किस तरह बनाई,
तो ये हमारे ज्ञान है, हमने आस्ता 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 सब को भुला दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं। फिर कहते हैं कि सुबह हो गया तो तुम अपने काम पे जाते हो, जॉब करते हो या खुद का बिजनेस है तो तुम काम करो ऑनेस्टी से करो। दिन युगे करो धर्म सो धंधार भाई, जब दिन उगे अपने धर्म से, यहां धर्म का मतलब ड्यूटी होगी, धर्म मजहब को भी कहते हैं लेकिन धर्म का मतलब ओरिजिनल लिटररी मीनिंग है ड्यूटी, अपनी ड्यूटी फुली। अगर तुम किसी की जॉब करते हो तो बी ऑनेस्ट टू योर बॉस, बी सिंसियर इन योर वर्क। अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है तो फिर भी कहते हैं कि देखो खुदा से डरो जो तुम्हें रोजी देता है, धर्म के अंदर मजहब में रह के यानी ऑनेस्टी के साथ तुम काम करो अपना बिजनेस करो। लेकिन जब शाम हो जावे तो तुमने अपनी रोजी खुदा ताला की कमाई है, अब उस परवरदिगार की तरफ मुंह फेर के उसको बोलो थैंक यू, बोला बापा थैंक यू, आज सारा दिन तुमने मुझे अच्छा बिजनेस दिया, मेरे रहने के लिए, मेरे खाने के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए जो खर्च है उसमें तुमने मुझे अच्छी रोजी दी, थैंक यू वेरी मच बोला बापा। उसके घर जाके बोला के घर जाके उसका थैंक यू करो। आपको कोई आदमी को यार दोस्त एक शर्ट देता है, $10-15 की शर्ट है, और शर्ट मिलने के बाद ऐसा तो बोलोगे ना थैंक यू कहोगे ना, और अगर थैंक यू नहीं करता तो वी आर अनग्रेटफुल। तो वो जो हमको रोजी देता है, जिसने हमें पैदा किया है, उसका कभी थैंक यू याद आया? जमात खाने में आना या उसके थैंक यू करने, हम मौला के घर जाके उसको थैंक यू करते हैं, हम उसका एहसान मानते हैं, उसके ग्रेटफुल बनते हैं। इसके लिए हमें हर इमाम ने, हर नबी ने 124,000 प्रॉफिट्स जो थे, 124,000 प्रॉफिट्स जो खुदा ने दुनिया में भेजे, इन तमाम ने एक बात पे बहुत जोर दिया है, खाने जमात खाने रोज जाओ। जिस भी नबी का टाइम था मस्जिद में के हैकल में के चर्च में, तमाम नबी यही कहते थे कि जमात खाने रोज जाओ, इबादत करो, उसका थैंक यू मानो। मौलाना हज़रत इमाम भी ऐसा ही कहते हैं। एक और चीज इशारा करता हूँ, हज़रत इमाम जब भी जमात खाने का कुछ बोलते हैं ना तो साथ क्या बोलते हैं, वेन यू कम टू जमात खाना, ऐसा नहीं बोलता वेन यू गो टू जमात खाना, वेन यू कम टू जमात खाना, क्योंकि जमात खाना इट इज हिज हाउस। वेन यू कम टू मी इसका मतलब ये है, वेन यू कम टू जमात खाना आई फील वेरी हैप्पी। जमात खाने रोज जाओ, सुख शांति ईमान सक्सेस जमात खाने से मिलती है। एक बात याद रखो, हमारा ये ईमान है कि दुनिया में खुदा का नूर मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि मौजूद बैठा है, हम इस्माइलियों का ये ईमान है, हज़रत इमाम अल्लाह का नूर और अल्लाह के नूर से हमें हिदायत मिलती है, इस हिदायत से हमें दुनिया और दीन में फायदे होते हैं, दिल के अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, दिल के अंदर एक किस्म की पीस होती है, दिल के अंदर कोई मुंझारा नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, इनडिसीशन नहीं होता, और हम अपनी दुनियावी जिंदगी को भी आराम से गुजार सकते हैं। मिलियनर बिलियनर बनने का ख्वाब कभी मत देखो। एक आदमी है वैंकूवर के अंदर, जवान लड़का 38 ईयर्स का, वो जब भी मुझे बोलता है कहते मिशनरी बापा दुआ करो ना मुझे 649 लग जावे, और 649 उधर है $1 दो तो मिलियंस लगते हैं या हंड्रेड्स तक लगते हैं। अब उसी के पीछे पड़ा है और पैसे खर्च करता है उसने टिकट में, कभी 10 लेता है कभी 5 लेता है, खुद घुमा रहा है। जब मौला को देना होता है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता, मौला से रिजक मांगो, अपनी मेहनत का रिजक मांगो, अपनी कमाई का रिजक मांगो,
खुद काम करके रिजक जो पैदा करता है उस रिजक में रूहानी बरकत होती है। आधी रोटी खाओ लेकिन सुख की खाओ। कोई आदमी जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, he has no debt to pay, छोटी सी उसकी आमदनी है, he is living nicely, is it a life of paradise? Because he is not obliged to pay his debts to anyone. He is living without any trouble and without worries. घर है, नौकरी है, खाते पीते हैं, मोटर नहीं, ना सही बाइसिकल तो है। This simple life is a life of happiness. Lexus गाड़ी है $50,000 की, Mercedes गाड़ी है $60,000 की, हमारे घर में बंगला है $1,000,000 का घर है, बहुत आमदनी बहुत है, मिलियनर है, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। वो फलानी बैंक मैंने सुना कि उड़ गई, उसमें मेरे $2,000,000,000 चले गए, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, ब्लड सूख रहा है, फिक्र चिंता हो रही है, पल्स बढ़ गई, प्रेशर हाई हो गया, क्या बात है, पैसे के लिए इतनी फिक्र कि हम अपनी हेल्थ बिगाड़ते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर मालदार लोग हैं, मेजोरिटी, मैं ये नहीं बोलता 100%, लेकिन मेजोरिटी अनहैप्पी है। क्योंकि दौलत के अंदर जो मन फंस गया है वो उनको चैन नहीं देने देता। अगर वो अपना दिल इधर से हटा के पैदा करने वाले उस महबूब और वो ग्रेट मालिक जो है उसके साथ जो लगावे, तो दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए, खुदा की मोहब्बत बढ़ जाए। सुख शांति देने वाला खुदा है। अंदर से जो इंसान का सुख निकलता, अंदर से जो खुशी निकलती है, ये रूहानी चीजें हैं और रूहानी लोग ही जानते हैं, बाकी दुनिया में और कुछ नहीं। मुझे याद आया मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक वाक्य लिखा, बोला कहते हैं डर्बी में मेरा घोड़ा भागता था, ये सुल्तान मोहम्मद शाह की बात है, डर्बी में मेरा घोड़ा भागता था और उस वक्त किंग जॉर्ज फिफ्थ था, वो भी डर्बी में आया और इसी उसके बाजू में ही बॉक्स में इमाम बैठे थे, घोड़े अभी दूसरे चल रहे थे रेसिस में। तो पाकिस्तान का एक एम्बेसडर था, ये जॉर्ज सिक्स्थ की बात है, सॉरी फिफ्थ में, पाकिस्तान का एम्बेसडर था राजा गजनफर अली, वो पाकिस्तान का वहां हाई कमिश्नर था, इक्वल टू एम्बेसडर, वो पीछे बैठा था। वो जल्दी से आया, अपनी नोटबुक निकाल के पेंसिल हाथ में लेके मौलाना सुल्तान ने मुझसे फरमाया, मेरे पास आके मुझे नमन के कहता है कि योर हाइनेस आप मुझे कुछ टिप दोगे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसको एक स्टोरी शुरू की। स्टोरी ये थी, सब कहते हैं कि लिसन योर एक्सीलेंसी, देयर वॉज ए किंग, ही वॉज अनहैप्पी, वेरी मच अनहैप्पी। उसने बहुत से हकीम और ऐसे बड़े सूट सेल्स वगैरह को इकट्ठा किया और बोला कि मैं तुम्हारा किंग हूं लेकिन मुझे सुख नहीं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, वो खड़ा होकर कहता है कि है राजा, कोई ऐसा आदमी मिले कि जिसको कभी भी दुनिया के अंदर दुख नहीं आया, उसकी तुम शर्ट पहनो, फिर यूज शर्ट पहनो, वो अपने बदन से शर्ट तुमको दे दे तो उसकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है ना वो तुम्हें मिले, और उसने कभी दुख देखा ही नहीं है तो उसकी शर्ट के अंदर ये सुख की वाइब्रेशन आएगी। ये क्या बात है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। प्राइम मिनिस्टर को बोला जल्दी से लोगों को इधर उधर भगाओ शहर में, कि जिसको कभी कोई दुख नहीं हुआ वो अपनी शर्ट राजा को दे दे और मैं उसको इतना बड़ा इनाम दूंगा। शाम तक सब लोग जो गए थे वो मुंह ढीला करके वापस आ गए, किसी ने नहीं कहा कि मैं दुखी नहीं हूं।
तो राजा को वो बड़ा जो बुजुर्ग था उसने ये बात इसलिए कही कि राजा को पता लगे कि दुनिया के अंदर सुख नहीं है। लेकिन राजा ये बात समझा नहीं, मगर उसको अफसोस बहुत हुआ। दो चार दिन गुजर गए तो खबर आई कि फलानी जगह के ऊपर, खाली कहने के लिए मैं बोलता हूँ, इस्ताना फे के ऊपर एक आदमी बुजुर्ग बैठा हुआ है और वो कहते हैं मैं कभी दुखी नहीं हुआ। राजा प्राइम मिनिस्टर को कहता जल्दी भागो और उसके पास जो उसकी शर्त लेके आना और कभी मेरा हाफ किंगडम देनी पड़ेगा मैं दूंगा। मिनिस्टर उसके पास गया, मस्त बलंग लंगोटी बांधे हुए बैठा है, सलाम किया, महाराज आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आपको कोई दुख है? कोई दुख नहीं। कभी दुख हुआ? कहते कभी नहीं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आपको कोई दुख है? कोई दुख नहीं। कभी दुख हुआ? कहते कभी नहीं हुआ। आपको कभी कोई दुख नहीं हुआ? कहते कभी नहीं। मैंने कभी दुख देखा ही नहीं, मैं हमेशा खुशी और सुख में हूं। मिनिस्टर बहुत खुश हुआ, उसको कहता है हमारा राजा है ना वो दुखी है। और किसी बुजुर्ग ने कहा है कि आपकी उतारी हुई शर्ट वो पहने तो उसको सुख मिले, तो वो अपना आधा राज आपको दे रहे हैं। बहुत हंसा, कहते शर्ट ही नहीं है मेरे पास, नो शर्ट। एक लंगोटी है, लॉइन क्लॉथ बस, और हकीकत में वो सुखी है, कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं। ये तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये स्टोरी राजा गजनफर अली को, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर था उसको ये सुनाई। इतनी देर में तो घोड़े भाग गए और खत्म भी हो गया, माँ बाप ने उसको चित नहीं दी। कहने का मकसद क्या है, जब हम किसी चीज का लालच करते हैं, दुनिया का लालच, वो हमारा सुख ले जाता है। रात को बहुत नींद आ रही है, झोंके आ रहे हैं और हमें काम करना है, आधा गिलास कोका कोला पी लो, बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, सुबह तक नींद नहीं आएगी, शायद दूसरे दिन भी ना आवे। कहने का मकसद क्या है कि हमारे अंदर पेट में एसिडिटी बढ़ गई है कोका कोला के पीने से, दुनिया का माल दौलत से हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ गई है और अंदर का सुख भाग गया है। दुनिया दुनिया है, दुनिया में रहो, हमको खाना चाहिए, खुदा रोजी का मालिक है, काम करो, मेहनत करो, खुदा आपको रोजी देगा। लेकिन जब हम लालच करते हैं ना, 649 लग जाए, इसी आशा के अंदर बैठे रहते हैं, तो ये चीज हमें वरी देती है। हमारे दिल के अंदर इस बात के लिए एक किस्म की अभिलाषा पैदा हो जाती है, हम अपसेट हो जाते हैं, वरी पैदा होती है। इसलिए अपने दिल का सुख पाने के लिए मजहब हमारा मदद करता है। एक बात याद रखो, मैं अपनी आवाजों में बहुत चीजें रिमाइंड कराता हूं, आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं रिमाइंड कराता हूं कि एवरीवन हैज टू डाई वन डे, एवरीवन, पुअर और किंग, लो और हाई, चाइल्ड और ओल्ड मैन, मोमिनो मौत हक है। और ये लाजिम नहीं कि बूढ़ा हो गए ही आदमी मरे, जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, कभी कभी मां के पेट से वूम में मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है। मौत से कोई भाग नहीं सकता, मौत इज एविटेबल, इनएविटेबल, हमें मरना है। हम मुसलमान हैं और इस्माइली मुसलमान हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ अवर ईमान एंड फेथ दैट एट द टाइम ऑफ डेथ और आफ्टर डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ और आफ्टर डेथ देयर इज अकाउंटेबिलिटी, खुदा को हमें हिसाब देना है। और हिसाब देना है हमारी तमाम बदियां बुराइयां, हमारे गुना और हमारी नेकियां, हमारी इबादत बंदगी, ये सब का हिसाब होगा। और इसके ऊपर से हमारे लिए जजमेंट होगी कि हम कहां जाएं, जन्नत में जाएं कि जहन्नम में जाएं, दुख में जाएं या सुख में जाएं, पीस में जाएं कि आग में जाएं, ऊपर जाएं या नीचे वापस आएं,
हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे आमाल के ऊपर है। कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला जगह 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 एटलीस्ट 26 प्लेसेस ऐसे हैं कि जहां खुदा ताला ने ये कहा है कि वट एवर यू हैव डन यू विल बी गिवन अकॉर्डिंगली, नथिंग विल बी गिवन टू मैन अनटिल ही स्ट्राइव्स फॉर इट। अमाल के ऊपर रखा हुआ है, हमारे एक्शन के ऊपर रखा है। अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हर दुनिया के हर मजहब ने हमको ये बात कही है और हमको बताया भी गया है कि दिस इज बैड दिस इज गुड, और फिर भी अगर हम जानबूझ के गुड को भूल के बैड में चले जाते हैं तो फिर हमको पनिश मिलती है। और पनिशमेंट जो है बहुत सी किस्म की है, बहुत सी किस्म की पनिशमेंट। खुदा ताला किसी की भी फेवर नहीं करता, और अगर फेवर करता है तो उनकी करता है कि जो बिल्कुल प्योर होते हैं। और खुदा ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, खुदा ताला अनजस्ट नहीं है, वो रहीम है, थोड़ी सी भूल माफ कर देता है छोड़ देता है। लेकिन जब हम बहुत गुनाह करते हैं डिफाइंट हो जाते हैं तो देन ही स्लैप्स अस, फिर हमको मारता है। और जब वो खुदा मारता है तो बचाने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इस बात का जिक्र किया कि गुनाह जो है सिंस दो किस्म के हैं, एक कबीरा है दूसरे सगीरा है। कबीरा का मतलब जो बड़े गुनाह है ग्रेट सिंस, और ऑर्डिनरी सिंस जो है वो बहुत है। ऑर्डिनरी सिंस का जो अकाउंट है वो इस तरह से है कि जैसे हम अपने बैंक अकाउंट रखते हैं ना, एक कॉलम है विथड्रॉल, एक कॉलम है डिपॉजिट और फिर तीसरा कॉलम बैलेंस है। $100 डिपॉजिट किए, $50 निकाल लिए तो 50 बैलेंस रहे। $100 डिपॉजिट दिए 150 निकाले तो इधर ब्लैक में से निकल के रेड में चले गए, -50, यानी 50 का कर्जा हो गया। ऐसा ही हम एक नेकी करते हैं एक बदी करते हैं। हर नेकी की वैल्यू है, हर बदी की गुनाह की भी वैल्यू है। देखो ये जो आपके बिल्स हैं डॉलर के, $1 का है, $5 का है, $10 का है, तमाम बिल्स एक ही साइज के हैं लेकिन डिनोमिनेशन जुदा जुदा है। इस तरह से हर गुनाह की डिनोमिनेशन है। मानो के एक गुनाह हमने किया उसकी पनिशमेंट में 1 यूनिट है। कोई ऐसे गुनाह भी हैं कि जिसके डिनोमिनेशन 1,000 है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिसके डिनोमिनेशन 5,000 है। इसी तरह से नेकियों के अंदर भी डिनोमिनेशन है, कोई ऐसी चीज है उस नेकी का 1 सवाब मिलता है, कोई ऐसी नेकियां हैं कि एक नेकी का 10 सवाब मिलते हैं 100 सवाब मिलते हैं। मैं ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं समझाने के लिए। हमको हमारे इमामों ने हमारे पीरों ने यह फरमाया कि जब तुम जमात खाने आके तुम 1 सेंट देते हो तो तुमको 125,000 सेंट्स रिवार्ड मिलेगा, 1 का 100 लाख। $1 दोगे तो $125,000 का सवाब मिलेगा। माइंड यू when you pay $1 here and I say 125,000 का spiritual benefit मिलेगा, $125,000 नहीं मिलेंगे कि दूसरे दिन मुखी साहब कल मैंने आपको इधर $1 दिया मुझे 125,000, not that, सवाब मिलेगा यानी कि उसका spiritual benefit मिलेगा। जैसा इंसान गुनाह करता है तो उसका disadvantage क्या है कि इंसान के अंदर से नेक तौफीक घट जाती है, बदी बुराई खराबी ऊपर आ जाती है। गुनाह करने से इंसान की अकल घटती है, नेकी करने से इबादत करने से अकल बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, अच्छे ख्यालात बढ़ते हैं। गुनाह करने से मेमोरी भी खराब होती है, अकल घटती है, फिर वो ऊंधे सीधे काम करके दुखों में पड़ जाता है। हमारे मजहब ने हमें बहुत कुछ समझाया है, नेक बनो अच्छे बनो,
और नेकी बनने से मालदार शायद न भी बनो, लेकिन सुखी बनोगे, दिल में सेटिस्फेक्शन रहेगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई फियर नहीं होगा, कोई मेंटल ट्रबल नहीं होगी। इस वक्त मैं देख रहा हूँ, आज लास्ट नियरली 25-30 ईयर से अफ्रीका से मैं देख रहा हूँ, हमारी जमात में फ्रस्ट्रेशन वरीज बढ़ रही है। मुझे कितने लोग ऐसा मिले हैं कि जो मेंटली इल हैं, मेंटली ट्रबल में है, डिप्रेशन में है, हाय हमारा क्या होगा। ये गुनाहों की सजा है। खुदा ताला उसी वक्त थप्पड़ नहीं मारता, चांस देता है टू करेक्ट योरसेल्फ। मगर जब आदमी करेक्ट नहीं होता तो फिर बरस दो बरस के बाद वो किया हुए गुने की सजा देता है। खुदा हमेशा हमको हमारे गुनाहों से बचने के लिए। 5 minutes of this wise is missing. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.